अपने प्रतिरोध सभा के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कटिहार पहुंचे। यहां पहुंच कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष का फूल मालाओं से जबरदस्त स्वागत किया। बता दें कि कटिहार के राजेंद्र स्टेडियम में नेता प्रतिपक्ष की प्रतिरोध सभा आयोजित की गई थी। इस दौरान सिख समुदाय ने तेजस्वी यादव को तलवार उपहार में दी और नेता प्रतिपक्ष ने मयान से तलवार निकालकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान उन्होंने NRC, CAA और NPR को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार देश में भाईचारे और अमन चैन को खत्म करने की कोशिश में है। ये कौन सा कानून है इसमें NRC और एक और सबसे खतरनाक जो है NPR। ये NPR को मुख्यमंत्री जी आज तो जनता को लू समझते हैं। एक तरफ के NRC को लागू नहीं होने देंगे, दूसरी तरफ अपने CAA कानून पे लोकसभा में राज्यसभा में वोट देने का काम किया, कानून बनवाने का काम किया और दूसरी तरफ कहते हैं आप NRC को लागू नहीं होने दोगे। अगर NRC को लागू नहीं होने दोगे तो हम चुनौती देते हैं मुख्यमंत्री जी, आप अगर NRC को लागू नहीं होने दोगे तो ऐलान करो कि आप NPR को भी इस देश पे बिहार में लागू नहीं होने दोगे। बोलते हैं कि भाई अब तक हम देश के नागरिक हैं, कौन से कागजात पर विश्वास करते हो? वोटर ID, आधार कार्ड, पासपोर्ट। अब कहा जाता कि ये सब का मानता नहीं होगा। 1971 के पहले का कागज लाइए कि आपके बाबू भी कौन स्कूल में पढ़ते थे, उसका थोड़ा एडमिशन वाला रजिस्टर ला करके दिखाई। आप बताओ यहाँ नौजवान भाई लाओगे? आपके दादा कौन स्कूल में पढ़ते थे? खाने का ठिकाना नहीं है, बाल बच्चों का पेट खाली है, लाइन में लगो, साबित करो कि इस देश के नागरिक हो कि नहीं। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि CAA एक काला कानून है जो 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के खिलाफ है। नथुराम गोडसे के वंशज चाहते हैं, क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दे, ऐसा कभी नहीं होगा। वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दे, हम बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दे हम? उसको पता नहीं है माँ और मुल्क बदले नहीं जाते। ये भाजपा वाले लोग, RSS वाले लोग कान खोल करके सुन ले। और यहाँ पलटू चाचा हम कहते तब तो चाचा के रखो। ये कानून जो है केवल मुसलमान भाइयों के लिए नहीं है, ये काला कानून 130 करोड़ हिंदुस्तानी के लिए है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो या ईसाई हो। इसलिए हमको भी नागरिकता साबित करना पड़ेगा कि हम इस देश के नागरिक है कि नहीं है। प्रतिरोध सभा में नेता प्रतिपक्ष ने केंद्र सरकार के साथ साथ नीतीश सरकार पर भी निशाना साधा। हम लोग को साबित करना पड़े कि हम इस देश के नागरिक है कि नहीं। अरे भाजपा वाले लोग, अरे नीतीश कुमार जी, काम करके सुन लीजिए। आप हम लोगों से पूछते हो, हम लोग तो खून का जांच कराने के लिए तैयार है, DNA जांच कराने के लिए तैयार है। अगर हिम्मत DNA का जांच कराओ, देखो कौन कितना देशभक्त है, पता चल जाएगा। और अगर हमारे सीमांचल के मुसलमान ठान ले तो वही पाकिस्तान को रास्ता बंद कर देंगे। ये देश सबका देश है, महंगाई तो इस पे चर्चा नहीं होती, गरीबी को कैसे दूर किया जाए, कैसे लोगों को रोजगार दिलाया जाए, जिसको घर नहीं उसको घर कैसे दिया जाए,
शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए, अस्पताल की व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए, उस पर ध्यान नहीं है सरकार का। सरकार का क्या बात करती है, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद पाकिस्तान और पे नहीं मिला इमरान खान की बात। आप देखिए हमारा देश का जीडीपी जो है नीचे चला गया, कहा 8-8% होता था, चाइना को डर लगता था कि कितनी तेजी से ये देश जो है विकास करता। इन 6 सालों में जीडीपी जो है 4 गया, मतलब कि बांग्लादेश और नेपाल आएंगे। जानकारी के मुताबिक आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में केंद्र सरकार की ओर से लाए गए सीएए के खिलाफ प्रतिरोध यात्रा निकाली है। इस प्रतिरोध रैली में उन्होंने तेजस्वी यादव ने बिहार में 19 जनवरी को आयोजित जल जीवन हरियाली मानव श्रृंखला पर भी कड़े प्रहार किए। अपने संबोधन में तेजस्वी यादव अपने तर्कस के तीरों से लोगों को एनआरसी एनपीआर और सीएए के बारे में निशाना साधते हुए इसे संविधान के साथ साथ देश तोड़ने वाला कानून बताया और जनता को इस काले कानून को देश में किसी सूरत में लागू नहीं होने देने की अपील की। पंजाब केसरी टीवी के लिए कटिहार से रितेश रंजन की रिपोर्ट।